गाइस विंटर्स आ चुके हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जिनको विंटर्स बहुत ज्यादा पसंद है, एंड बी केयरफुल टू दोस्त जिनको विंटर्स बहुत ज्यादा परेशान करके जाते हैं. वेलकम यू ऑल टू माई चैनल गर्ल्स. आई एम प्रेरणा एंड माई चैनल नेम इज सुपर ब्यूटी डिजायर्स. सो गर्ल्स, इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू सॉर्ट आउट योर ऑल विंटर्स रिलेटेड प्रॉब्लम. सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. बट अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हिट लाइक भी जरूर करना इस वीडियो को. तो चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. गर्ल्स, तो विंटर का ना एक ही इंटेंशन होता है, हमारी स्किन को ड्राई, केकी, फ्लेकी बना देना, इजंट इट. बट हम भी कुछ इंटेलिजेंट कम नहीं है. हमने निकाला है एक बहुत ही वंडरफुल आयुर्वेदिक तरीका अपने विंटर्स में स्किन को हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रखने का. तो आज मैं आपको ना कोल्ड क्रीम रेकमेंड करने वाली हूँ जो कि अमेजिंग है येट अफोर्डेबल है. सो हेयर कम्स द कोल्ड क्रीम फ्रॉम माई फेवरेट ब्रांड आयुगा. एंड इन्होंने लॉन्च किया है अपने दो कोल्ड क्रीम्स, एक तो कुमकुमादी एंड देन सेकेंड है चंदना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू इट्स पैकेजिंग. तो आपको ये इस तरीके की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में मिल जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल. देन इसके अंदर है दिस ब्यूटिफुल टब विच इज वाइट इन कलर एंड देन विद द रोज गोल्ड लिड. ओके, विच इज वेरी वेरी हैंडी ऑल्सो. इसमें है फुली पैक्ड आयुर्वेदिक कोल्ड क्रीम. तो कभी आपने सुना है कि कोल्ड क्रीम भी आयुर्वेदिक हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि पहले टाइम पे ना, जब मैं कॉलेज गोअर थी, जब मैं कॉलेज वगैरह में जाती थी, तो मेरी दादी और नानी जो है विंटर्स में वो कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके, लाइक टर्मरिक, सैंडलवुड, इन सब चीजों को यूज करके मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे से फेस के लिए क्रीम्स बनाया करती थी. एंड मेरी मम्मी तो ग्लिसरीन को यूज करके मेरे लिए क्रीम्स बनाती थी जो कि मैं विंटर्स में अप्लाई करती थी, जिससे मेरी स्किन बहुत ज्यादा यूथफुल रहती थी ऑलवेज और हाइड्रेटेड रहती थी. बट आपने कभी सुना है कि आयुर्वेदा जो है कोल्ड क्रीम में भी आपको मिल रहा है? आयुर्वेदा में क्या है कि हम हमेशा पाउडर्स देखते हैं या फिर ऐसे कुछ चीजें देखते हैं जो कि DIY हमें करनी पड़ती हैं, बट इट इज कमिंग इन दिस होल पैक्ड क्रीम फॉर्म. तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. सो नाउ लेट मी शो यू इट्स कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत ही अच्छी है यू गर्ल्स. और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है ये क्रीम. जब आप अपने फेस पे लगाते हो तो ना लाइट वेट फॉर्मूला है. जब भी आप अप्लाई करोगे बहुत ही जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है. और मुझे ना वो चिपचिपी वाली क्रीम्स विंटर्स में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हैवी हैवी सी, कि जब आप अपने फेस पे लगाओ और वो हैवी हैवी सा लुक दे, चिपचिपाहट करे आपके फेस पे. सो इट्स नॉट लाइक दैट. ये कहाँ पे लगा के अब्जॉर्ब हो जाएगी आपको पता भी नहीं रहेगा, एंड दैट गिव्स यू द ग्लो ऑल्सो. सो ये जो है ना आपकी स्किन को सॉफ्ट, सपल एंड स्मूथ बनाती है. और साथ ही साथ लेट मी टेल यू, एक बहुत ही अच्छा स्किन केयर रूटीन आपका मेंटेन हो जाएगा विंटर्स में. अगर आपकी फेस की स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, पिगमेंटेशन हो रहे हैं, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं आपके फेस पे, बहुत टाइम से चले आ रहे हैं डार्क स्पॉट्स, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो ये इतने अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इंग्रीडियंट्स इसमें मिक्स हैं, जैसे कि चंदनम मैंने आपको बताया, सैफ्रन बताया, और टर्मरिक बताया. तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट है ना, ये वर्क करते हैं आपके फेस की डलनेस, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए. और इसका जो टेक्सचर है वो इतना ज़्यादा स्मूथ है ना, तो इसीलिए मैं तो अपने फेस के साथ साथ इसको हैंड्स पे, बॉडी पे भी अप्लाई कर लेती हूँ. मतलब एक बार व्हेन आई कम आउट फ्रॉम द शावर तो मैं फेस पे तो अप्लाई करती ही हूँ, एंड माई डैम्प बॉडी लाइक ऑन माई डैम्प फेशियल स्किन, मैं अपनी डैम्प बॉडी स्किन पे भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ, जो कि मेरी बॉडी के स्किन को भी पूरे ऑल डे लॉन्ग बहुत ज़्यादा सफल रखता है. आई डू नॉट नीड टू री अप्लाई एनी अदर क्रीम और एनी अदर सीरम. सो एक बार इसको लगाया एंड आई एम गुड टू गो. तो ये जो चंदनम वाला कोल्ड क्रीम का वेरिएंट है ना, ये मेरा काफ़ी फेवरेट है. वाई? बिकॉज ये जो है आपकी स्किन को ना ब्राइटर बनाने में हेल्प करता है. अगर आप डेली इसको विंटर्स में अप्लाई करोगे तो जैसे विंटर्स में स्किन एकदम डार्क सी, डल सी नहीं हो जाती है, तो अब नहीं होगी आपकी स्किन डार्क सी, डल सी, अगर आप इसको अप्लाई करोगे. बिकॉज इसमें चंदन है, सैंडलवुड है, विच विल मेक योर स्किन ब्राइटर और साथ ही साथ स्किन को ना सॉफ्ट एंड सफल लुक भी प्रोवाइड करेगा.
So this Ayuga Kumkumadi cold cream comes with the saffron, lotus extracts and 28 precious herbs जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाते हैं and also these products are PETA certified too. So आप इन products को बहुत ही अच्छे से use कर सकते हो. It is for the extremely dry skin, so it is suitable for winters. So daily after the bath you just need to apply this only one cold cream and you are done. मतलब आपको वो tons of skin केयर प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि पहले हम टोनर लगा रहे हैं, सीरम्स लगा रहे हैं, फिर कुछ और उसके ऊपर लेयरिंग अप कर रहे हैं. विंटर्स में वैसे भी स्किन यू नो बहुत ज्यादा डल होती है, तो उसको अच्छा सा बनाने के लिए यू जस्ट नीड दिस आयुगा कोल्ड क्रीम एंड यू आर सॉर्टेड. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट दीज कोल्ड क्रीम्स फ्रॉम आयुगा आर सर्टिफाइड बाई आयुष मिनिस्ट्री, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है. नाउ लेट मी टेल यू कि आपको कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होगी. एक तो आप ayuga.in पे इसको बाय कर सकते हो, देन सेकेंडली आपको Amazon पे मिल जाएगी, नायका पे मिल जाएगी एंड Flipkart पे मिल जाएगी. एंड इफ यू विल अप्लाई दिस ऑफ माई कूपन कोड तो आपको मिल जाएगा 20% ऑफ, विच इज़ अ ग्रेट डील गाइज. यू जस्ट गो एंड आप जल्दी से इसको बाय करो और अपने विंटर्स को जो है एकदम बढ़िया से हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड बनाओ. दीज आर ऑल टॉक्सिन फ्री एंड मेड सेफ प्रोडक्ट. और आप देख रहे हो क्वांटिटी कितनी बड़ी है, मतलब आप एक टब बाय करोगे उसमें आपको इतनी सारी क्वांटिटी मिल रही है. आपको इतना थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है अपनी स्किन पे लगाने के लिए, पूरा फेस कवर हो जाएगा. और मतलब ये टब जो है ना काफ़ी टाइम तक भी आपको चल जाएगा, पूरे फैमिली मेम्बर्स अप्लाई करेंगे तभी भी ख़त्म नहीं होने वाला. सो बोथ द कोल्ड क्रीम्स आर फॉर द एक्सट्रीमली ड्राई स्किन. और चंदनम वाले में जो है सैंडलवुड भी है, टर्मरिक है एंड 26 प्रेशियस हर्ब्स हैं, तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, रेडियंट, सपल एंड स्मूथ बनाता है. इट्स अ नॉन ग्रीसी फॉर्मूला ऑल्सो, तो आपको वो चिप चिप टाइप की फीलिंग नहीं आएगी. आप अपने बॉडी पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो ईजिली और ये जो है आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव करता है. मेरा फेस इसको एक बार लगा लेती हूँ ना ऑल डे लॉन्ग, इतना हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज्ड रहता है कि मुझे बार बार ऐसे कुछ ना कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी मेरा स्किन ड्राई हो गया है, चलो अब मैं ये लगा लूँ वो लगा लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता. मैं जस्ट एक बार इसको लगाती हूँ पूरे ऑल डे लॉन्ग, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रहता है मेरा. It moisturizes and revitalizes the skin. It is a quick absorbent and non-greasy formula. तो ये जो है ना girls, ये cocoa butter के साथ में भी आता है जो कि आपकी skin को deeply hydrate भी करता है. और साथ ही साथ मैं बता दूँ ये जो है natural plant product है जो आपकी skin को nourish करेगा और improve करेगा आपकी skin की texture को भी. तो दोनों ही वेरिएंट्स मैंने आपको शो कर दिया, आप कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, या तो चंदनम या फिर कुमकुमादी ले लो. ओके, या फिर आप चाहो तो दोनों ट्राई कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं. सो यस गर्ल्स, यही था मेरा आज का वीडियो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट लाइक. आई शैल मीट यू इन वन अनदर अमेजिंग वीडियो. टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश. बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय.